गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे गुंजन क्लास फोर का पार्ट ग्यारह आइजक न्यूटन आज हम इस पार्ट की रीडिंग कठिन शब्द और शब्द अर्थ करेंगे सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बचपन में बनी आदतें मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनाती हैं अच्छी आदतें उसे सफलता दिलाती हैं कुछ करने की ललक दृढ़ निश्चय लगन परिश्रम जैसे गुण उसके रास्ते को सरल बनाते हैं बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतों ने ही न्यूटन को महान वैज्ञानिक बनाया तो पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं तुम रोज यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया उन्होंने प्रकाश की गति को नापा नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुथियां गुथियमित समस्याएं सुलझाई आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी घर में वह था और उसकी माँ उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती तब कहीं उनका पेट भरता था न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मां ने एक पादरी से पुनः मिन दोबारा विवाह कर लिया नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था वह शर्मीला था कम बोलता था और शोर से घबराता था खेल कूद में उसकी रुचि कम थी हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था मीन्स अच्छा लगता था छह साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया शुरू किया वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था इतिहास उसे याद नहीं होता था लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक फर्स्ट आने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा दस साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता पालक मतलब जो उसका पालक पालन पोषण कर रहे थे पालक पिता का देहांत हो गया उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा माँ फिर से खेतों में काम करने लगी उसे भी साथ जाना पड़ता था उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली खेती का काम बंद करवा दिया इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा एक साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया बारह साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था इससे घूमने लगती थी वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की गणित की कई शाखाएं निकाली विज्ञान की पेचिदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा ये स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द नंबर वन अनुभव नंबर टू पृथ्वी नंबर थ्री गुरुत्वाकर्षण नंबर नंबर फाइव न्यूटन नंबर सिक्स जिम्मेदारी नंबर सेवन अवस्था नंबर एट प्रथम नंबर नाइन सप्ताह नंबर टेन सिद्धांतों ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे कठिन शब्द और अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द नक्षत्र नक्षत्र मीन्स तारा नेक्स्ट गुथिया गुथियां मीन्स समस्याए नेक्स्ट परिश्रम परिश्रम मीन्स मेहनत नेक्स्ट भविष्य भविष्य मीन्स आने वाला समय नेक्स्ट ठान लिया ठान लिया मीन्स दृढ़ निश्चय कर लिया नेक्स्ट प्रथम प्रथम पहला नेक्स्ट पालक पालक मीन्स पालने वाला नेक्स्ट पेचीदा पेचीदा मीन्स मुश्किल नेक्स्ट कंदील कंदील मीन्स कागज की बनी हुई लालटेन नेक्स्ट स्पष्ट स्पष्ट मींस साफ नेक्स्ट सिद्ध सिद्ध मींस साबित तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पाठ ग्यारह आइजक न्यूटन के पाठ की रीडिंग कठिन शब्द और शब्द आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा थैंक यू